आपकी फैमिली क्या, मेरी फैमिली में ही इतने सालों तक किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई आपका मन कैसा है या आपको कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है। सो दिस इज समथिंग दैट वी डोंट टॉक अबाउट इन आवर फैमिली। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका आपके फैमिली मेंबर से, आपके हस्बैंड से, ब्रदर से, सिस्टर से कैन चेंज द लाइफ, चेंज द आउटलुक टुवर्ड्स माय लाइफ। क्या मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ पर भारी पड़ सकती है? बिल्कुल पड़ सकती है, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि हमारा माइंड और बॉडी जो है वो कनेक्टेड है। अगर हमारी बॉडी सफर करती है तो हम मन से परेशान होते हैं, इसी तरह से अगर हम मन से परेशान होंगे तो हमारी बॉडी भी जो है सफर कर सकती है। आपको सोमैटिक सिम्टम्स हो सकते हैं, फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, हाथ पैर में दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, सांस फूलेगी, आपको लगेगा कि ये फिजिकल सिम्टम्स है, शारीरिक लक्षण है। आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, बट उनसे कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अल्टीमेट सोल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप अपने एंग्जाइटी या डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कराएंगे। ओके, तो अगर आप विद इन हेल्दी होंगे तो आप आउटर भी ऑटोमेटिकली हेल्दी होंगे। सर, मैं जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन कौन सी सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज हैं जो कोई भी इंसान अपना सकता है अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। देखिए, टू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। आपको वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलते हैं टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो अगर आप बहुत ज्यादा टाइम वर्क पे स्पेंड कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। यू नीड टू टेक अ ब्रेक इन बिटवीन, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, ट्राई टू डू सम जर्नलिंग एवरी डे। अ गुड हैबिट इज कि आप डेली जो है अपने इमोशंस को, जो है अपने थॉट्स को आप एक डायरी में लिख रहे हैं। दिस माइट बी वेरी यूजफुल फॉर मेन ऑल्सो बिकॉज दे माइट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। तो अगर आप लिखोगे तो आपको माइंड में थोड़ा क्लैरिटी भी आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी अपने बारे में भी और अपने इमोशंस के बारे में भी। देन योगा मेडिटेशन का आप सहारा ले सकते हैं। ऑन अ डेली बेसिस 15 टू 20 मिनट्स ऑफ योगा मेडिटेशन इज गुड। एंड ईट लॉट ऑफ येलो फ्रूट्स जैसे पपाया, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, ये सब थोड़ा आप ज्यादा खा सकते हैं। डार्क चॉकलेट्स भी पर्टिकुलरली बहुत हेल्दी होती हैं फॉर योर माइंड। तो स्मॉल बिट्स ऑफ डार्क चॉकलेट्स एवरी डे इन योर ब्रेकफास्ट विल काम योर माइंड, रिलैक्स योर माइंड। ओके, एंड एक्सरसाइज तो इम्पोर्टेंट है जैसा आपने बताया, और एक बैलेंस्ड डाइट। एंड जनरली मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर रात को सोने से पहले अगर आप अपने थॉट्स लिखते हैं तो आपको अच्छी नींद भी आती है और आपको थोड़ा लाइट भी फील होता है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि एज अ सोसाइटी ऐसा हम क्या कर सकते हैं, या फिर एक फैमिली फ्रेंड ऐसा क्या कर सकती है टू हेल्प एनी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज। देखिए, सबसे पहले तो एज अ फ्रेंड और एज अ फैमिली मेंबर और एज अ सोसाइटी हमें स्टिग्मा बिल्कुल हटा देना है। कई बार हम लोग देखते हैं कि फैमिली जो है साइकेट्रिस्ट के पास जाने से मना करती है पेशेंट को, ठीक मत जाओ, दवाई एडिक्टिव है, या एक बार जाओगे तो फिर लाइफ टाइम जाना पड़ेगा, इस टाइप की बातें जो है वो बीच में आ जाती है। बहुत ही कम ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जहाँ पे फैमिली साथ आती है या फैमिली जो है चीज़ों को समझती है और ट्रीटमेंट लेने के लिए बोलती है। तो ये जो स्टिग्मा है ये हमें हटाना है, हमें समझना है एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेम्बर कि देखिए हमारा ब्रेन जो है, माइंड है, वो भी एक ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, जैसे लंग है। अगर हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत जाते हैं, अगर आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन होता है तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह से अगर माइंड में भी आपके थॉट्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं सोच विचार में दिक्कत हो रही है, तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। आप जितनी जल्दी ट्रीटमेंट कराएंगे, जितनी जल्दी हेल्प लेंगे, उतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा एंड देयर इज अ चांस कि ट्रीटमेंट बंद भी हो जाए। लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट या कंटिन्यूस ट्रीटमेंट उन केसेस में होता है जिनका बहुत टाइम से उनको डायग्नोसिस नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट नहीं हुआ है एंड द प्रॉब्लम हैज एस्केलेटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो अगर आप जल्दी ट्रीटमेंट सीख करेंगे, जल्दी हेल्प के लिए लेके जाएंगे, तो डेफिनेटली जो है इम्प्रूवमेंट आएगा और ये स्टिग्मा बिल्कुल हटा देते हैं। यू शुड बी मोर ओपन एज अ फैमिली। कितनी ऐसी फैमिलीज होंगी जिन्होंने अपने घर में ये नहीं पूछा होगा अपने ब्रदर से या सिस्टर से कि आपका मन कैसा है,
क्या आपने कभी साइकेट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बस आपकी फैमिली क्या, मेरी फैमिली में ही इतने सालों तक किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई आपका मन कैसा है या आपको कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है। तो दिस इज समथिंग दैट वी डोंट टॉक अबाउट इन आवर फैमिली। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका आपके फैमिली मेंबर से, आपके हस्बैंड से, ब्रदर से, सिस्टर से कैन चेंज द लाइफ, चेंज द आउटलुक टुवर्ड्स मेंटर। एग्जैक्टली। और अगर किसी से पूछते भी हैं कि आपका मन कैसा है तो सामने वाले को ये सुनकर भी लाइक फील होगा कि एटलीस्ट समवन आस्क्ड मी। सो या दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड आस्क एंड आई विल आस्क एज वेल। ऑल्सो सर मैं जानना चाहूंगी कि कोई भी मेंटल हेल्थ इशू में थेरेपीज क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, थेरेपीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मेंटल हेल्थ इशू का, स्पेशली अगर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी जैसी बीमारियां हैं तो इसमें टॉक थेरेपी, सीबीटी, ईआरपी का काफी रोल है। एंड यूजली माइल्ड टू मॉडरेट केसेस जो होते हैं इससे डील हो सकते हैं कई बार। तो अगर आपकी परेशानी नई नई है, अभी शुरू हुई है, तो आप जो है सीबीटी, ईआरपी के सहारे यू कैन गेट बेटर। बट फॉर सीवियर केसेस ऑफ कोर्स कंबाइंड अप्रोच इज यू नो मोर आइडियल, वेयर मेडिकेशन भी थेरेपी के साथ ऐड करना है। एंड आपको ऐसे देखना है कि थेरेपी इज लाइक अ टूल, है ना, थेरेपी इज लाइक अ टूल, मेडिकेशन इज लाइक अ टूल, एनी अदर अप्रोच दैट वी आर यूजिंग लाइक अ टूल। तो अगर एक टूल काम नहीं कर रहा है तो दूसरे टूल पे हमें इस्तेमाल करना है, दैट इज हाउ। ओके। एंड सर कुछ लोगों को ये लगता है कि थेरेपीज ले रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो, और जैसे अभी तो ये माना भी जाता है, जैसे कुछ लोगों में ये मिथ है कि थेरेपीज के बाद जो पिल्स देते हैं या फिर दवाई देते हैं वो स्लीपिंग पिल्स दे देते हैं, आपको सोने के लिए मजबूर कर देते हैं, और इस वजह से लोग इन थेरेपीज को भी अवॉइड करते हैं। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग ये सब जो नोशंस हैं, ये सब जो मिसकंसेप्शंस हैं, ये 50 साल पुराने हैं। 50 साल से इन मिसकंसेप्शंस का कोई अपडेशन नहीं हुआ है, इनफैक्ट कोई अपडेशन है भी नहीं, बिकॉज द साइंस हैज प्रोग्रेस टू एन एक्सटेंट जहाँ जरूरी नहीं है कि सारी मेडिकेशन स्लीपिंग दें या स्लीपिंग पिल्स ही हों। देयर आर एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी जो कि एक्टिवेट करती है, आपको एनर्जी देती है, फोकस देती है, एंड कोई भी मेडिकेशन स्लीपिंग पिल नहीं है। ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि एवरी मेडिसिन इज स्लीपिंग पिल, इट्स नॉट दैट देयर स्लीपिंग पिल। हाँ, सम ऑफ देम हैव अ साइड इफेक्ट कि थोड़ा नींद ज़्यादा आता है, बट वो हम पर्सनलाइज कर सकते हैं थेरेपी में, ट्रीटमेंट में। एंड मोस्ट मेडिकेशन इन द करेंट जनरेशन आर नॉट इवन एडिक्टिव। ओके। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने साइकेट्रिस्ट से शेयर कर रहे हैं, क्या मेडिसिन से हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो आपकी मेडिकेशन बंद भी हो सकती है। अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इफ यू आर फॉलोइंग योर साइकेट्रिस्ट एडवाइस, तो आपका ट्रीटमेंट बंद भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग चलेगा, बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन दी यू नो द टाइम व्हेन यू सॉट हेल्प, द सीवियरिटी ऑफ योर कंडीशन। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उसको अर्ली उसको समझ के डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उससे आपको बहुत फायदा होगा। आपको लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड साथ ही आप खुद भी बेटर फील करोगे जब आपको जल्दी ही प्रॉब्लम जो है वो सोल्यूशन में चेंज होने लगेगी। सर टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू में ये चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे चाहे मेल हो फीमेल हो, सभी को कुछ टिप्स, स्ट्रेटेजीज, एडवाइस दीजिए मेंटल हेल्थ के ऊपर। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप एक बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हैं, अगर आप एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं, यू आर वेरी मच नॉर्मल। आप अपनी एस्पिरेशंस को, अपने एम्बिशंस को अपनी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट नहीं होने दें। कई बार एज अ मेल आप बहुत ओवर एम्बिशियस हो जाते हो कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, मेरे को आई हैव टू डू दिस, आई शुड बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग। ये जो प्रेशर है सब चीज़ें बैलेंस करने का और एक एम्बिशन अपनी परसू करने का, उसको कुछ टाइम के लिए लेट गो करें, है ना। टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, टेक अ ब्रेक फ्रॉम यू नो एवरीथिंग, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, है ना। जो सोशल कैपिटल है आपका, उस पर ज़्यादा फोकस करें, इट इज़ गोइंग टू टेक यू प्लेसेस। एंड अगर आपको जरा सी भी दिक्कत हो रही है, जरा सा भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, नींद नहीं आ रही है,
भूख नहीं लग रही है, नर्वस फील कर रहे हैं, सीक हेल्प इमीडिएटली। लेट नहीं करें, जितना लेट करेंगे आपकी प्रॉब्लम उतनी बढ़ेगी, कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट उतना ही लंबा। मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को काफी अवेयरनेस मिली होगी मेंटल हेल्थ को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।